तो दोस्तों इंसोमनियाक स्टूडियोज के हैक होने के कारण उनकी काफी सारे इन्फॉर्मेशन थी जो ऑनलाइन लीक हो गई, जिसमें से एक इन्फॉर्मेशन हमारे काम की थी और वो थी वल्वरिन PS5 का जो गेम प्ले था। तो दोस्तों YouTube पे 25 मिनट का गेम प्ले लीक्ड हो चुका है और जिसको मैंने भी अपलोड किया था, लेकिन YouTube ने उसे रिमूव कर दिया, पता नहीं क्यों। वो बस एक गेम प्ले ही तो था, हालांकि वो लीक गेम प्ले था मैं मानता हूँ, पर कोई बात नहीं। तो इसके लीक होने के कारण हमें वुल्वरिन PS5 का गेम प्ले मिला है और जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। दोस्तों काफी लोगों को कमेंट में मैंने ये देखा कि वो ये लिख रहे हैं कि ये गेम अच्छा नहीं है, ये सस्ता गॉड ऑफ वॉर जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये गेम 2010 में बना है। लेकिन इसकी क्या गारंटी है दोस्तों कि ये जो लीक फुटेज है ये 2023 का ही है या फिर 2022 का ही है? क्या पता ये जो लीक गेम प्ले है ये 2021 में रिलीज होने वाला था, मतलब कि 2021 में बना था और अभी इसको डेवलप हुए 2 साल हो चुके हैं। तो हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये लीक फुटेज कब की है। मैं मानता हूँ कि इसमें जो गेम प्ले था वो चॉपी टाइप लग रहा था और इंसोमनियाक स्टूडियोज अपने गेम्स लाइक स्पाइडरमैन माइल्स मोरेलेस, स्पाइडरमैन 2, इन्होंने ये सारी अच्छी गेम्स बनाई हैं। तो हमें उम्मीद है कि वुल्वरिन के साथ भी ये जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो दोस्तों लीक्ड गेम प्ले फुटेज जो था उसमें भी हमें वही बार वाला सीन दिखता है जो हमें 2 साल पहले ट्रेलर में मिला था, कि वुल्वरिन एक रेड कलर का टी शर्ट पहन के बार में बैठा रहता है और गेम प्ले वही से शुरू होता है, वो बार में कुछ लोगों के साथ फाइट करता है। और दोस्तों ये गेम अभी पता नहीं, मुझे लगता है कि काफी पुराना फुटेज होगा क्योंकि इसमें जो बीच में कट सीन्स है ना वो एज अ फोटो है, वो कोई रियल कट सीन नहीं है, वो जस्ट एक इमेज है जो कि डेवलपमेंट में है, जो कि आइडिया है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि जब ये गेम 2021 या 22 में बन रही थी ये लीक फुटेज तब का है और ये 2023 का नहीं है। अब क्योंकि ये लीक हो गया है तो इस पे इंसोमनियाक वाले और अच्छे से काम करेंगे और बहुत ही मुश्किल है दोस्तों कि ये गेम 2024 में निकल सके। तो मुझे तो लग रहा है कि ये गेम या तो 2024 के लास्ट तक आएगा या तो ये 2025 के मई जून तक हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या आप बिल्कुल भी एक्साइटेड है इस गेम के लिए? देखिए दोस्तों मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप एक्साइटेड है तो आप क्या चाहते हैं कि वो इस गेम में हो? जैसे कि मैंने कमेंट्स में पढ़ा था कि जब वुल्वरिन के कपड़े फट जाते हैं, जब वुल्वरिन को कोई चोट लगती है तो वो अपने आप हील हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके कपड़े भी हील हो जाते हैं जो कि फटे हुए रहने चाहिए। तो ये सब जो छोटी छोटी डिटेल्स है दोस्तों ये किसी गेम को बहुत ही अच्छा बनाती है। तो उम्मीद करते हैं कि इंसोमनियाक वाले इन सब छोटी छोटी डिटेल्स में काम करेंगे। और आपकी जो भी राय है दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि ये गेम कैसा होने वाला है। इसमें विचर 3 के जैसे अगर आपने किसी को बीच में से काटा तो बीच में से कट जाना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, 2010 में एक गेम आया था प्रोटोटाइप, 2010 में उस टाइम पे गेम 10GB का था और हम लोग बहुत ज्यादा शौक हो गए थे कि भाई 10GB का गेम है ये। लेकिन हमने जब उस गेम को खेला तो उसमें लिटरली आप किसी आदमी को अगर बीच में से काटोगे तो बीच में से कट के उसके 2 टुकड़े पड़े रहते थे। तो वो 2010 की बात थी दोस्तों, अभी मैं 14 साल बाद की बात कर रहा हूं। तो 2024 में वुल्वरिन जैसे गेम है तो ये फीचर होना ही चाहिए दोस्तों, कि किसी को अगर आपने काटा बीच में से तो उसके टुकड़े इधर उधर हो गए। हालांकि ये फीचर विचर 3 में भी था और दिखने में काफी ज्यादा कूल लगता है स्लो मोशन के साथ। तो दोस्तों यही था मेरा रिव्यू वुल्वरिन PS5 के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि ये गेम अच्छा होगा और जल्द से जल्द रिलीज हो जाए PS5 के लिए, क्योंकि तभी ना हम PC वाले इसको खेल पाएंगे। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें इस साल आने वाले कुछ बड़े 10 गेम्स के नाम भी हैं उसमें, तो आप चाहे तो वो वाला वीडियो देख सकते हैं। या फिर मैंने एक बेस्ट हॉरर गेम के ऊपर भी वीडियो बना के रखा है दोस्तों, अगर आप हॉरर गेम के फैन हैं उस वीडियो को आप जरूर देखिए दोस्तों। बाकी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।